हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं थोड़ा एक्चुअली लेट हो गया हूँ, तो मुझे जाना है अभी बाइक का ऑयल चेंज करवाने। तो मोतल का ये ऑयल है जो मैंने अमेजोन से मंगवाया था, तो एक मैं ये ले जा रहा हूँ। बाकी ऑयल फिल्टर है, अंदर स्पार्क प्लग्स वगैरह हैं, तो फटाफट इसका ऑयल चेंज करवाता हूँ। और ये एयर फिल्टर तो मैं खुद ही चेंज कर लूँगा, तो मैं ऑयल चेंज करवाऊंगा, ऑयल फिल्टर चेंज करवाऊंगा और कार्बोरेटर साफ करवाऊंगा भाई, इतना काम करूंगा। बाकी सब मैं खुद कर लूँगा। सर्विसिंग की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, बाइक मुश्किल से 1300-1400 किलोमीटर चली है पूरे साल में, बाइक बराबर चल रही है, कहीं कुछ लफड़ा नहीं है। सभी पहले मुझे जाना है आरटीओ, क्योंकि आरटीओ में मैंने तकरीबन 4 महीने से आरसी में करेक्शन होने के लिए दिया था, लेकिन आरसी नहीं आ रही है। क्या लफड़ा है एजेंट को जिसको दिया था, वो बोल रहा है कि सर प्रिंटिंग में फंसा हुआ है, बहुत टाइम से लफड़ा हो रहा है, आ नहीं रहा है, लोगों की आरसी डिलीवर नहीं हो रही है, लेकिन मुझे थोड़ा विश्वास कम हो रहा है। मैं खुद ही जाके चेक करता हूँ आज। चलो जी स्टार्ट करते हैं। एक नंबर। बाकी देखो पूरी गाड़ी में ऐसा धूल मिट्टी हो गई है, इतना कम चलती है ये, तो महंगे महंगे ऑयल्स ऐसे खुला हुआ है। मेरे को लेफ्ट ही जाना है, तो अपने को महंगे महंगे ऑयल्स और ज़्यादा ज़्यादा सर्विस करवा के कुछ मतलब नहीं है, गाड़ी चलती तो है नहीं। तो पहले मुझे जाना है आरटीओ, गवर्नमेंट के काम, 4 महीने से आरसी आई नहीं है। उसके बाद जो मैंने थोड़े बहुत पार्ट्स लिए थे वो यूज़ करके मैं इसकी सर्विस करवाऊंगा। आरटीओ में देखो कितना टाइम लगता है। ये डिकैथलॉन है यहाँ का, किसी को अगर नहीं पता हो तो हमारे वीरा देसाई में अंधेरी वेस्ट में डिकैथलॉन खुला है। वो देखो एक्टिवा पे आके सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, ये देखो चलाती गाड़ी में सिगरेट पीना ज़रूरी है, और बच्चा साथ में रख के, बच्चा साथ में है मुश्किल से रहेगा, 4-5 साल का बच्चा। तो ये क्रॉस करेंगे यहाँ से, स्पेस बहुत कम है, तो इस बिल्डिंग के पीछे ही आरटीओ की बिल्डिंग है। ये मेट्रो के काम की वजह से पता नहीं कब से खोदा हुआ है, अभी ठीक ही नहीं हो रहा है। ये मेट्रो का ब्रिज ऊपर बन भी गया, तो गाड़ी अपनी चल बराबर रही है, कुछ लफड़ा नहीं है इसमें, लेकिन वही है 1 साल के ऊपर हो गया सर्विस करवाए हुए, तो कम से कम ऑयल और ऑयल फिल्टर और एक बार कार्बोरेटर साफ करवा लेना चाहिए, इतना तो काम कर लेना चाहिए। बाकी इसके स्पार्क प्लग्स में चेंज करवा लूँगा। चलो सिग्नल हो गया, ए अपने ग्रीन सिग्नल में घुस रही है गाड़ियाँ। पब्लिक पता नहीं यहाँ क्या बैठ कर टाइम पास करती है, अपने को तो कभी समझ में नहीं आता आरटीओ में है क्या टाइम पास करने के लिए। फटाफट काम करो और निकलो। ये अपना अंधेरी वेस्ट का आरटीओ है। चलो आप लोगों से आके मिलता हूँ मैं काम ख़त्म करके। चलिए यहाँ का काम हो गया, अब चलते हैं इसकी सर्विस करवाने के लिए। एक के बाद एक ट्रक आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि कल 2:30 बजे तक होगा, पता चलेगा कि आरसी आके रिटर्न तो नहीं गई है। अभी चलते हैं अपन अपने मैकेनिक के पास, बाइक का काम करवा लेते हैं, कि जरा पीस ऑफ माइंड रहेगा, इंजन ऑयल नया रहेगा। तो गरम रहेगा हाथ बचा के। ऑयल वैसे ठीक ही लग रहा है, लेकिन है ना, लेकिन 1 साल के ऊपर हो गया ना, तो मॉइस्चर पकड़ लेता है। तो ये सिंगल वाला केबल डाल दिया था इसमें रेस का, जो कि इसका है नहीं, इसमें डबल मूव वाला केबल डलता है, तो वो भी मैं चेंज करवा रहा हूँ। ये इमरजेंसी के लिए काम आ जाएगा सिंगल केबल, जो पुरानी बुलेट्स में डलता था। तो नया केबल, इसमें ये डुअल केबल आता है। तो
ये केबल था जो कि थंडरबर्ड में लगता है, इसका हैंडल बड़ा है, तो नॉर्मल क्लासिक 350 का हैंडल में जो लगने वाला केबल नहीं लगता है, ये वाला डालना पड़ता है, इसका ऐसा कुछ कोड आता है। और ये 255 का केबल है, ये इसका फिल्टर है, ऑयल फिल्टर, और ये प्लग का सेट। तो पहले मैं सोच रहा था कि ऑयल वगैरह चेंज करवाते हैं और ऑयल फिल्टर चेंज करवाते हैं, स्पार्क प्लग वगैरह मैं खुद ही डाल लूँगा या तो फिर बाद में आके कभी डलवा लूँगा क्योंकि टाइम ज़रा कम है, लेकिन अभी पूरा ही करवा लेते हैं, सर्विस ही करवा लेते हैं गाड़ी की। ये नया एयर फिल्टर, ये 160 का कुछ आता था, ये भी 200 का हो गया, तो ये 30-40 रुपये सीधा बढ़ गया। इसमें ना ऑयल लगा के दोनों साइड ना इधर ऑयल लगा के तब बंद करना, तो सील होएगा बराबर। ये प्लग वाटर की है, इसमें हार नहीं जाता, ये है ना। थोड़ा सा कटा है ना, ये मिलता है क्या अलग से? एक नंबर अपनी सर्विस हो गई पूरी, चलो थैंक यू। अभी एक साल तक कम से कम टेंशन नहीं है, या फिर 3000 किलोमीटर तक, कम से कम 3000 किलोमीटर। अपनी गाड़ी चलती बहुत कम है, लफड़ा ये है, 3000 किलोमीटर कभी पहुंचते ही नहीं है एक साल में, पहले ज़रूर पहुंचते थे
क्योंकि मैं ऑफिस जाता था। गाड़ी वापस से स्मूथ हो गई है तो मैं भी फोर बंगलोज के इलाके में हूँ, लेकिन लफड़ा हो गया। ये केबल मुझे मिला नहीं, इसका हैंडल है बड़ा, इसमें क्लासिक 350 का एक्सेलेटर केबल लगता नहीं है, इसमें थंडरबर्ड 350 का केबल लगता है, BBS3 का, तो थोड़ा लंबा होता है लेंथ में। सिर्फ वॉशिंग रह गई है, बाकी तो टकाटक है मामला। मैं बस एक रस्ट रिमूवर करके सोल्यूशन है, सो रस निकालूंगा पहले, फिर इसको वॉशिंग में दूंगा। ये सब रस जो है, ये सारा रस, और आगे भी हेडलाइट के ऊपर भी रस हो रहा है, तो ये सारा रस निकालना पड़ेगा मुझे। अब चलते हैं, साटा केबल लेना है मुझे, साटा केबल ले लेते हैं। एक साटा का केबल दे देना, एक साटा केबल दे देना, एल वाला जो आता है लॉकिंग वाला साटा केबल। नहीं सर, 25 का, इसमें दो है। दो है तो। अच्छा, दो का सेट आता है, आपको चाहिए तो एक भी दे दूंगा। नहीं चलेगा, कितने का है ये? 50 के दो है। तो केबल वेबल हो गया अपना लेने का। क्या ट्रैफिक है भाई, शाम का 6 बज रहा है।